हरे कृष्णा। तो बहुत लोगों को डाउट है कि आत्मा है कि नहीं है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, या विज्ञान क्या, साइंस क्या जो है सोल को मानता है, क्या सोल एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, या साइंटिफिक प्रूफ क्या है, साइंटिफिक एविडेंस क्या है कि सोल है कि नहीं है। तो चलिए आज इसके ऊपर बात करते हैं कि आत्मा है या फिर नहीं है, या फिर ये केवल मिथ है या फिर ये फैक्ट है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फादर ऑफ न्यूरो सर्जरी, डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड। डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर उन्होंने ब्रेन ब्रेन मैपिंग किया। ब्रेन मैपिंग में उन्होंने ब्रेन के ऊपर कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए और उसके थ्रू उन्होंने हाथ ऊपर उठाने को बोला, अप एंड डाउन करने को बोला, और ये व्यक्ति जो व्यक्ति जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसको 6 बार हाथ ऊपर नीचे करने को बोला गया। तो जब उसने पहली बार हाथ उठाया तो ब्रेन में कुछ एक्टिविटी हुआ और वो मशीन ने उसको कैप्चर किया, मेजर किया। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम फिर उसने अप एंड डाउन किया हाथ को, फिर उसको कैप्चर किया गया, मशीन में कुछ कैप्चर हुआ ब्रेन का एक्टिविटी। फिर तीसरे बार फिर हुआ तो फिर कैप्चर किया गया। उसके बाद फिर जो है उसको बोल दिया गया, नहीं उठाने के लिए बोला गया। उसके बाद फिर जो है मशीन से ही जो है उस ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल किया गया और ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिव किया गया, तो अपने आप हाथ उठा और फिर हाथ उठा, फिर डाउन हो गया। तो 6 बार ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ और फिर उनसे पूछा गया कि ये बताओ कि तुमने कितने बार हाथ उठाया। तो उसने बोला कि पहले 3 बार तो मैंने हाथ उठाया लेकिन बाकी के 3 बार मैंने हाथ नहीं उठाया। तो यहाँ पे विल्डर पेनफील्ड जो है चकरा गए और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया 2-3 और लोगों, मतलब बहुत सारे लोगों पे। तो उनको पता चला कि एक्चुअली में ब्रेन केवल इंस्ट्रूमेंट है, ब्रेन इज़ नॉट द सेंटर ऑफ कॉन्सियसनेस। कई लोग बोलते हैं कि ब्रेन से ही सब कुछ होता है, ब्रेन ही सेंटर है। ज़्यादातर एथिस्ट लोग भी बोलते हैं कि ब्रेन ही सारा कॉन्सियसनेस का सोर्स है या कॉन्सियसनेस वहीं से जनरेट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। यह पेनफील्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि एक्चुअली में कॉन्सियसनेस का सोर्स जो है वो ब्रेन से अतिरिक्त कुछ है, मैटर से अतिरिक्त कुछ है। जो व्यक्ति, क्योंकि वो 3 बार कॉन्सियस था लेकिन अगले आने वाले 3 बार कॉन्शियस नहीं था क्योंकि वो ब्रेन से वर्क हो रहा था, लेकिन जब 3 बार उसको बोला गया तो वो कॉन्शियस था उस चीज़ के बारे में। यानी कि कॉन्शियसनेस इज समथिंग बियॉन्ड द मैटर, बियॉन्ड दिस बॉडी माइंड इंटेलिजेंस। ये पहला प्रूफ है जो कि प्रूफ करता है कि वैदिक शास्त्र में या भगवद गीता के अंदर आत्मा के बारे में जो बताया गया वो सत्य है। इसके बाद फिर आता है दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो डॉक्टर सैम परनिया ने नियर डेथ एक्सपीरियंस करके किया है। उसमें उन्होंने 2000 लोगों के ऊपर 15 मेडिकल सेंटर्स US एंड यूरोप के अंदर रिसर्च किया, जिसमें उनको, वो कार्डियक अरेस्ट के डॉक्टर हैं और उन्होंने रिसर्च किया। तो उनको पता चला कि जो है जब व्यक्ति मरने के कगार पे होता है तो उस समय उसके साथ जो भी होता है उसको उसने एक्सप्लेन किया। कई लोगों ने एक्सप्लेन किया कि ये जो है मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो ये चीज़ जो है ये असंभव है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। क्लिनिकल डेथ होने के बाद व्यक्ति जो है कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो वो फिनोमिनन को जो एक्सप्लेन कर रहा था, इससे ये भी प्रूफ होता है कि व्यक्ति जो है वो इस मैटर से अलग है, क्योंकि हार्ट स्टॉप हो गया था, ब्रेन शट्स डाउन, ब्रेन जो है बंद हो गया था, लेकिन फिर भी सेल जो है वो डीके हो रहा था धीरे धीरे और वो व्यक्ति जो है उसको बता पा रहा था। अब ये एक व्यक्ति पर नहीं, 2000 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया गया और मैक्सिमम रिजल्ट्स जो यही हैं कि ज़्यादातर लोगों ने बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। उसके अलावा एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, उसमें भी व्यक्ति जो है बॉडी के बियॉन्ड जाके बॉडी के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन सर्जरी में, डॉक्टर के हॉस्पिटल में, तो वो भी बताया गया कि ये चीज़ मेरे साथ हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रूफ करती हैं कि कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करता है और कॉन्शियसनेस जो है वो ट्रांसेंडेंटल है और वो मैटर के बियॉन्ड है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर इवन स्टीवेंसन। डॉक्टर इवन स्टीवेंसन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बहुत सारे, और उस रिसर्च में उन्होंने ये बताया है कि री इंकारनेशन जो है वो ट्रुथ है, क्योंकि उन्होंने कई जगह पे एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें कि ये बताया गया है कि जो उंड, जो घाव है जो किसी व्यक्ति को लगा है किसी तरीके से, तो प्रीवियस बर्थ का जो घाव है वो आगे वाले जो नेक्स्ट उसका जो बर्थ मिला, नेक्स्ट जो उसका फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर वो घाव दिखा। तो और दूसरा चीज़ था पास्ट लाइफ मेमोरी,
उसको याद था कि पिछले जन्म में वो क्या था। किसी किसी लोगों को याद होता है कि पिछले जन्म में वो क्या थे, तो वो चीज़ जब बताया गया, जब उसको देखा गया तो वो सत्य था। और ये ज़्यादातर बच्चों के ऊपर हुआ है और ये रिसर्च यूट्यूब पे है, और मैं सारा लिंक जो है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बाद लास्ट में आता है डॉक्टर ब्रियान जोसेफेंसन। ये फिजिसिस्ट हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है फिजिक्स के ऊपर। तो इन्होंने पैरानॉर्मल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें रिमोट व्यूइंग आता है और टेलीपैथी आता है। टेलीपैथी के अंदर हम एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन को डायरेक्ट बिना किसी मीडियम के बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं। माइंड रीडिंग और साइको टेलीकैसिस है ना, तो इन सब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो बता रहे हैं कि पैरानॉर्मल एग्जिस्ट करता है, इट इज़ रियल है ना। तो ये तो हो गए चार मैंने प्रमाण बता दिए वैज्ञानिकों के। इसके अलावा जो लॉजिकल सेंस है वो ये लॉजिकल लॉजिक से भी हम समझ सकते हैं कि हम आत्मा है शरीर नहीं। वो क्या है, वो ये है कि आप अपने आँख को टच कीजिए, टच कर सकते हैं आप अपने ईयर को टच कीजिए, आप अपने लिप्स को टच कीजिए, आप अपने हैंड को टच कीजिए, बॉडी को टच कीजिए, अब अपने आप को टच कीजिए। आप अपने आप को टच नहीं कर पाएंगे कि आप एक्चुअली में है कौन, है ना। हम बोलते हैं माई बॉडी, माई ईयर, माई नोज, मतलब आई एम डिफरेंट फ्रॉम दैट। ये एक लॉजिकल प्रूफ हुआ। दूसरा है भगवद गीता। भगवद गीता जो है हजारों साल से यही बात बोल रही है कि हम आत्मा है शरीर नहीं है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। इसमें उन्होंने बताया है कि देह के अंदर, इस बॉडी के अंदर रहने वाला आत्मा जो है वो शरीर के फेजेज उसका बदल रहा है, लेकिन जो आत्मा है वो नहीं बदल रहा है। व्यक्ति जो है, जैसे मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं जब छोटा था, जब छोटा सा शरीर था मेरा, तो भी अंकित ही था, अभी भी अंकित ही हूँ, और आगे भी जब मैं शरीर जो बदलेगा तो भी मैं अंकित ही रहूँगा। मतलब शरीर केवल बदल रहा है, केवल फेजेज बदल रहे हैं, केवल जो है युवावस्था से कुमार अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था आ रहा है। मतलब चेंजेज ऑफ आउटर आउटर फेज केवल चेंज हो रहा है, लेकिन जो कॉन्शियस सोल है वो नहीं चेंज हो रहा है ना। और ये कॉन्शियसनेस जो है ये सबसे बड़ा सिम्टम है कि सोल एग्जिस्ट करता है बॉडी में, क्योंकि कॉन्शियसनेस डेथ डेड बॉडी में नहीं होता है। जब बॉडी डेथ कर जाता है तो कॉन्शियसनेस जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसीलिए उसको डेड बोला जाता है। डेड एंड लाइव लिविंग बॉडी का डिफरेंस यही है कि एक में कॉन्शियसनेस होता है, एक में नहीं होता है। एक के अंदर फीलिंग है, थिंकिंग है, विलिंग है, लेकिन एक में नहीं होता है। तो ये थे कुछ प्रमाण, और बाकी और भी इसका डिस्कशन जो है हम कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो शॉर्ट रहता है इसलिए हम ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लॉन्ग ड्यूरेशन में डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में डिस्कशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आ सकते हैं, या फेसबुक पे भी आ सकते हैं, लाइव गुरु करके चैनल है, ये पेज है, उसके ऊपर भी आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे